तो हेलो गाइस, कैसे आप लोग? आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे। इसके आपको भी कुछ इस तरह का फोटो एडिटिंग करना सीखना है तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। और चैनल पे पहली बार आए तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना है डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए गाइस लेट्स बिगिन इन द वीडियो। पहले स्टेप में करना क्या है, पिक्सआर्ट ऐप को ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट ऐप को ओपन करने के बाद करना क्या है मैं बता देता हूँ। यहाँ से चले आपको प्लस वाले सेक्शन पे एडिट फोटो पे बैकग्राउंड को ओपन कर लेना है। पिक्सआर्ट ऐप में तो कर लेता हूँ फटाक से, जो कि ये रहेगा बैकग्राउंड। बैकग्राउंड पीएनजी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन दे रखा है, वहाँ से जाकर इजीली डाउनलोड कर सकते हो। अगर नहीं कर पा रहे तो गाइस करना क्या है, मैंने इसके भी ऊपर एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जो कि आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस आप वो वीडियो देख रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल होगा। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलना गाइस। मैं इसी तरह का बैकग्राउंड पीएनजी वहाँ पर भी आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। और आपको कोई भी फोटो एडिटिंग में प्रॉब्लम आती है तो वहाँ से मैं बात करता रहता हूँ। इंस्टाग्राम में भी फॉलो करना ना भूलना। इस तरह से बैकग्राउंड को ओपन करने के बाद करना क्या, टूल्स पे जाकर यहाँ से क्रॉप पे चल जाना है। पोर्ट्रेट सेलेक्ट करके यहाँ से डन कर लेना है। अब करना क्या है, स्क्रॉल अप करके चल जाना है उनको पहले ऐड फोटो पे और अपने मॉडल के फोटो को ऐड कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ। अगर आपको मॉडल का बैकग्राउंड चेंज करना नहीं आता तो मैंने इसकी भी ऊपर एक वीडियो बना रखा है जो कि आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस वो वीडियो देख ले, आपके लिए हेल्पफुल होगा। वन क्लिक में आप बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं अपने मॉडल का। कुछ इस तरह से फुल स्क्रीन कर लेना है। आप करना क्या, शैडो क्रिएट करने के लिए हम लोग को इस मॉडल के फोटो पे क्लिक करके यहाँ से शैडो पे चल जाना है। जस्ट हम लोग को यहाँ से कुछ इतना रख लेना है, हम लोग को ऑपेसिटी यहाँ से ब्लर को कम कर लेना है, इतना रख लेना है। पोजीशन में जाके हम लोग को कुछ इतना अच्छे से एडजस्ट कर लेना है और कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। अब करना क्या होगा, यहाँ से ध्यान से देखना, कुछ इस तरह से मैं रख लेता हूँ। देख सकते हो शैडो भी क्रिएट हो गया। यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। अब करना क्या होगा, चल जाना हम लोग को स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से टूल्स पे एडजस्ट पे ब्राइटनेस को कुछ इतना बढ़ा लेना है, कंट्रास्ट को भी कुछ इतना बढ़ा लेना है, क्लेरिटी को नहीं छेड़ना है, सेचुरेशन को हल्का डाउन कर लेना है, हाईलाइट को हल्का डाउन कर लेना है, शैडो को भी बढ़ा लेना है। यहाँ से इरेजर पे चल जाके यहाँ से हम लोग को इन्वर्ट कर लेना है। रिस्टोर पे जाके यहाँ से कुछ इतना रख लेना है, साइज को कुछ इतना बढ़ा लेना है। जस्ट हम लोग को फेस के ऊपर पेंट कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ कुछ इस तरह से, फेस देख रहे हो गाइस हम लोग को वाइट हो रहा है, इस तरह से हम लोग को पेंट कर लेना है। तो मैं कर लेता हूँ फटाफट। देख सकते हो गाइस मैंने कर लिया है कुछ इस तरह स्पेंड। आप चाहो तो यहाँ से ब्राइटनेस भी बढ़ा सकते हो। तो मैं तो कहूँगा इतना ही रखना, यहाँ से डन करके बैक हो जाना। करना क्या है, हम लोग को सीवी फोटो टोन देने के लिए करना क्या होगा, इफेक्ट पे चल जाना है, आर्टिस्टिक पे चल जाना है। और हम लोग को यहाँ से फेडल वन को हम लोग को वन रख लेना है। अब यहाँ से मल्टीपल में चल जाना है, जस्ट आप जितना चाहो उतना रख सकते हो। यहाँ से मैं तो कहूँगा 25 के अराउंड रख लेना है। इरेजर पर चल जाना है, इन्वर्ट कर लेना है, रिस्टोर पर जाके यहाँ से साइज और ऑपसिटी अपने हिसाब से रख लेना और कुछ इस तरह से अपने कपड़े के ऊपर पेंट कर लेना। तो मैं कर लेता हूँ फटाफट। देख सकते हो गाइस मैंने अपने कोट के ऊपर कुछ इस तरह से पैंट कर लिया, आप भी कर लेना अच्छे से। अब करना क्या है, हम लोग को यहाँ से चल जाना है हम लोग को ऐड फोटो पे। ऐड फोटो पे जाने के बाद गाइस हेम ग्लो को एक हेयर का पीएनजी को ऐड कर लेना है जो कि मैंने दे रखा है आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक। और कुछ इस तरह से हम लोग को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, इरेजर पर चल जाना है
इरेज पे चल जाना है, हार्डनेस को कुछ इतना कम कर लेना है, साइज को अपने हिसाब से हल्का हल्का हम लोग को कुछ नीचे से इस तरह से पेंट कर लेना है जो कि एकदम रियल लगे हम लोग का हेयर। अब यहाँ से करना क्या है, फॉर हम लोग को ऑपसिटी को कम कर लेना और हम लोग को नीचे से हल्का सा इरेज कर लेना है। देख सकते हो कैम मस्त लग रहा है फोटो। हल्का सा मैं हेयर के पीएनजी को छोटा कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। देख सकते हो कैम मस्त लग रहा है फोटो, यहाँ से डन कर लेना। देख सकते हो अब यहाँ से चल जाना इफेक्ट पे, यहाँ से हम लोग चल जाना है एफएक्स पे, सबसे लास्ट चल जाना ड्रैग करके, यहाँ मिल जाएगा विगनेट का ऑप्शन, इसको कर लेना फुल और कुछ इस तरह से हम लोग को 65 के अराउंड फेड रख लेना और यहाँ से डन कर लेना। फिर चल जाना इफेक्ट टूल पे और यहाँ से सैंपल पे चल जाना है, और सबसे लास्ट आके यहाँ से सैचुरेशन का एक आइकन मिल जाएगा, उस पर क्लिक कर देना है और जस्ट हम लोग को यहाँ से डन करके बैक हो जाना है। देख सकते हो क्या मस्त लग रहा है फोटो। अब यहाँ से करना क्या है, हम लोग चल जाना टूल्स पे, एडजस्ट पे, ह्यू पे, टेम्परेचर पे चल जाना, ब्लू टोन रख लेना है और जस्ट यहाँ से हम लोग को थोड़ा सा रिटचिंग करने के लिए यहाँ से चल जाना है हम लोग ब्राइटनेस पे, हल्का सा ब्राइटनेस बढ़ा लेना है, क्लेरिटी को भी हल्का सा बढ़ा लेना है, कॉन्ट्रास्ट को भी हल्का सा बढ़ा करके यहाँ से डन। देख सकते हो कैम मस्त लग रहा है फोटो। यहाँ से फोटो को सेव करने के लिए करना क्या होगा, डॉट टूल पे जाके, थ्री डॉट पे जाके सेव कर लेना है फोटो। कैसा लगा वीडियो को इस कमेंट बॉक्स में बताना, ना भूलना, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे रख देना डेली इसी तरह का कंटेंट देखने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। बाय बाय।